हे प्रभु, हे श्री कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंद, ये क्या हो गया? इतना सुबह आने के बाद इतना भीड़ लग गया, ये देख सकते हो। हे प्रभु, हे हरि राम, हे श्री कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंद, हनुमान जी का बहुत ज्यादा भीड़ हो गया। हनुमान गढ़ी, जय सियाराम, जय श्री राम। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गोरखपुर की गलियों से। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस टुडे इट्स माय बर्थडे, आज है मेरा बर्थडे। तो गाइस इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए हम और हमारे दोस्त निकल रहे हैं कहाँ, अयोध्या नगरी राम जी का दर्शन करने के लिए। तो गाइस चलते हैं, इस बर्थडे को स्पेशल बनाते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं राम जी का, और हम भी करते हैं। तो निकलते हैं सीधे गाइस अयोध्या के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अयोध्या में एंट्री कर लिया है और घुमाते हैं गाइस और दर्शन करवाते हैं राम जी का। और एक सबसे प्यारा चीज गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने वीड़ा, वीड़ा वादनी वरदे, वरदे वीड़ा वादनी। आप गाइस देख सकते हो कितना भीड़ है। हम लोग अयोध्या इसके पहले भी आए थे एक बार, उतना भीड़ नहीं देखने को मिल रहा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गाइस पहली बार हम लोग इतना एक्साइटेड हैं मंदिर देखने के लिए कि कैसा बना होगा मंदिर लाइव यार। तो गाइस हम लोग बढ़ ही रहे हैं मंदिर के तरफ और करते हैं प्रभु श्री राम जी का दर्शन और आपको भी करवाते हैं। ये देख सकते हो रास्ते में कितनी भीड़ है, गाड़ी पार्किंग करनी पड़ी है दूर, क्योंकि यहाँ से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग पैदल ही चल रहे हैं, करवाते हैं गाइस दर्शन। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार अयोध्या आके। अभी हम लोगों ने अयोध्या में एंट्री किया है, एंट्री करते ही भाई मन जो है ना प्रफुल्लित हो चुका है। अभी हम लोग पूरा घूमे नहीं है, फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग रुकेंगे, शाम को सुबह फिर दर्शन करके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसा माहौल रहेगा वैसे करेंगे हम लोग और आपको घुमाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग चलेंगे हनुमान गढ़ी, सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं, और उसके बाद सीधे श्री राम जन्मभूमि के पास चलते हैं, मंदिर को भी दिखाते हैं कैसा मंदिर बना हुआ है और करते हैं दर्शन प्रभु श्री राम जी का। तो हनुमान जी को चढ़ाने के लिए हम लोग पहले प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के बाद सीधे हम लोग बढ़ेंगे हनुमान गढ़ी की तरफ, हनुमान जी का दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। और हमने लड्डू ले लिया है गाइस प्रसाद। सूरज भाई दूर से ही देखे कर अरे बाप, यानी कि इसलिए आप देख सकते हनुमान गढ़ी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही लंबा भीड़ है। कोई बात नहीं, कितना भी लंबा हो दर्शन करके जाएंगे हनुमान जी का और प्रभु श्री राम जी का। और ये देख सकते हो भीड़। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये देखो भीड़ गाइस, सब श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंद, ये क्या हो गया? इतना सुबह आने के बाद इतना भीड़ लग गया, ये देख सकते हो। हे प्रभु, हे हरि राम, हे श्री कृष्ण हम लोग प्रेमानंद, हनुमान जी का बहुत ज्यादा भीड़ है। हनुमान गढ़ी, जय सिया राम, जय श्री राम। फाइनली गाइस
दो घंटे के बाद हमने हनुमान जी का भी दर्शन पा लिया है। आप देख सकते हो हनुमानगढ़ी के अंदर कितना भीड़ भाई। ये हनुमान जी का मंदिर, और अब हम लोग यहाँ से सीधे चलेंगे श्री राम जन्मभूमि राम जी के मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको दर्शन करवाते हैं। जय जय और हम लोग बढ़ रहे हैं श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर की तरफ, वहाँ पे चल के राम जी का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को, और हम भी करते हैं। यहाँ से अभी हम लोगों को पैदल चढ़ना पड़ेगा 1 किलोमीटर हनुमानगढ़ी मंदिर से। ये देख सकते हैं आप लोग कितना श्रद्धालु, श्रद्धालुओं की भरमार। और गाइस रास्ते में प्रसाद मिल गया है, तो हम लोग सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे, अब अभी हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। शिव कुमार भाई दो लिया है, बोला एक में पेट नहीं भरेगा मेरा, कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है जितना खाना है खा सकते हो, आप लोगों के लिए बना है। बस गाइस यही ढूंढ रहे थे। जय सिया राम को दिखा दीजिए हम लोग का सूरज भाई एंड साथ में शिव कुमार छोटा भाई। अभी हम लोग जय श्री राम लिखवा रहे हैं माथे पे, और सामने मंदिर है 500 मीटर की दूरी पे। उसके बाद निकलते हैं श्री राम जन्मभूमि, वहाँ का दर्शन करवाते हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कब जल्दी से पहुँचे और वहाँ पे मंदिर दिखाएं। और गाइस सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है, अगर फोन अलाउ होगा तभी मैं दिखा पाऊँगा मंदिर। जय जय सिया राम, जय सिया राम। और ये अभी हम लोग मंदिर के निकट पहुँच ही रहे हैं, हम लोग मंदिर के तरफ जा रहे हैं, बस मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं। फोन अलाउ होगा तो गाइस मैं मंदिर दिखाऊंगा, दर्शन जरूर करवाऊंगा आप लोगों को भी। श्री राम हॉस्पिटल के पास इंतजार कर रहे हैं आज, जाना कहीं नहीं है, जल्द से जल्द श्री राम। गाइस बाहर से ही अनाउंस किया जा रहा है कि मोबाइल वर्जित है, मोबाइल हम लोग अंदर नहीं ले जा पाएंगे, तो हम लोगों को मोबाइल जमा करना पड़ेगा बाहर ही। ये देख सकते हो आप मंदिर में दूर से ही दिखा दे रहा हूँ। गाइस मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉकर है का व्यवस्था है, पर्ची मिलेगी तो हम लोग यहीं पे जमा करेंगे अपना मोबाइल, उसके बाद हम लोग दर्शन करने अंदर जाएंगे। तो फाइनली गाइस हमने प्रभु श्री राम जी का दर्शन पा लिया है, और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा आप लोग भी टाइम काट के आओ यहाँ पे अयोध्या, और प्रभु श्री राम जी का दर्शन जरूर करो यार, आनंद ही आनंद है यहाँ पे अयोध्या में। आप देख सकते हो कितना पब्लिक, कितना श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हमारी प्लानिंग देख रहे हैं गाइस कहाँ की बनती है, अभी हम लोग थोड़ा आराम करेंगे, बहुत थक चुके हैं तभी से हम लोग चल ही रहे हैं। तो फाइनली गाइस अयोध्या नगरी जो थी हमने पूरा घूम लिया है, पूरा नहीं तो कुछ तो बाकी था, काफ़ी हम लोग थक भी चुके हैं गाइस, और हम लोग सीधे आ गए हैं अपनी धन्नों के पास। तो यहाँ से हमारी प्लानिंग बन रही है गाइस सीधे घर निकलने की, हम लोग सुबह से आए हैं, सुबह से ही घूम रहे थे और शाम का टाइम हो चुका है, तो यहाँ से जाने में हम लोगों को लगेगा कम से कम 4 घंटे। तो गाइस यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे घर के लिए, और मेरा केक का भी व्यवस्था है, मैंने सोच लिया था मेरा जो बर्थडे हो स्पेशल होना चाहिए। गाइस मैं बता दूँ स्पेशल नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो चुका है अयोध्या नगरी में आके प्रभु श्री राम जी का दर्शन पा के। तो मैं यही कहूँगा आप लोग भी टाइम निकालिए और एक बार अयोध्या नगरी आइए, प्रभु श्री राम जी का दर्शन करिए, मन बहुत ही प्रफुल्लित होगा, हम लोग तो आनंद में यार, आनंद ही आनंद है यहाँ पे। तो गाइस मैं यहाँ से विदा लूँगा और इस ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जो आईफोन की बैटरी है वो 9% हो चुकी है। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगा। आई होप गाइस ये वीडियो अयोध्या नगरी वाली आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो गाइस एक ही चीज़ मैं बोल के यहाँ से विदा लूँगा, हाय बाय कुछ नहीं, जय जय श्री राम, जय सिया राम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।